हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में था ये पम्पकिन की सब्ज़ी और आलू भाजी। तो वही मैं यहाँ पे कर रही थी ब्रेकफास्ट। फिर उसके बाद मुझे थोड़ा काम था, काम मतलब जो फ्लावर पॉट मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था, तो वही मुझे और फ्रंट साइड में जो था तो वो मुझे क्लीन कर रहा था आज, तो वो मैंने क्लीन किया। एंड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा गंदा हो गया है, बहुत सारे फ्लावर पॉट्स थे, तो वो सब टब मैंने निकाला, फिर उसको क्लीन किया झाड़ू से। और झाड़ू से क्लीन करने के बाद मैंने ये टब जो है उसको मैंने वेट क्लॉथ देके इसको अच्छे से साफ़ कर लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी जम गया था यहाँ पे और धूल बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि हम लोग का घर जो है हाईवे के सामने है तो डस्ट बहुत ज़्यादा आता है। फिर उसमें मैंने सारे प्लांट्स में मैंने पानी दिया, पानी मतलब जो लीव्स होता है बड़ा बड़ा, बहुत ज़्यादा धूल जम गया था तो बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था देखने में, तो इसलिए मैंने सब में पानी दिया। फिर आप लोग देख सकते हैं ये टब स्टेन जो है वो भी मैंने क्लीन किया, और इसके अंदर भी बहुत सारे फ्लावर पॉट से आप लोग देख सकते हैं, तो ये भी मैंने सारे एक एक करके निकाला, फिर उसको अच्छे से क्लीन किया, फिर पानी दिया, फिर रखा, वही प्रोसेस सेम। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे फ्लावर, बट अच्छा लगता है फ्लावर रहने से घर में, तो इसीलिए। और ये भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी मैं पानी दे रही हूँ, फिर झाड़ू से क्लीन कर रही हूँ ये सब। इतना ज़्यादा धूल था मुझे पता ही नहीं था, तो मैंने जब साफ़ किया तो मुझे पता चला कितना ज़्यादा गंदा हो गया था ये सब। तो यहाँ पे भी मैं दे रही हूँ पानी, और पानी देने के बाद क्लीन करने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने के लिए, एंड साफ़ भी हो गया। बहुत दिन हो गया था ये सब साफ़ नहीं हुआ था, मेरे चाची जो रहती थी तो ये सब साफ़ करती थी, पर मैं ये सब नहीं करती थी पहले, पर अभी मेरे चाची घर पे नहीं है तो मुझे ये करना पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं, पर साफ़ रहना चाहिए इसीलिए मैं करती हूँ। एंड मुझे भी साफ़ रहना ही पसंद है, मैं ज़्यादा गंदा हो जाता है घर या बाहर ये सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, मेहनत भी करना पड़ता है, पर आप लोग देख सकते हैं मैं कैसे झाड़ू से ये सब क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि पूरा मिट्टी मिट्टी ये सब हो गया, तो वही मैं क्लीन कर रही थी यहाँ पे। और भी फ्लावर पॉट थे पर वो मैं क्लीन नहीं कर पाई, जो आप लोग ऊपर में देख रहे हो ना वो सब, क्योंकि ये जो ट्रैक्टर है इसके वजह से मैं क्लीन नहीं कर पाई, क्योंकि उस दिन ट्रैक्टर नहीं निकाला था, तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट डे मैं कर लूँगी ये सब। और आफ्टर क्लीनिंग आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देख के, ये सब क्लीन हो गया, तो बहुत मेहनत लगा पर अब बाद में अच्छा भी लगा मुझे। और उसके बाद मैं चली गई, ये जो आप लोग सोप देख रहे हो ये डिश वॉश करने वाला ये है, और ये नहाने वाला, तो ये सब मैंने एक जगह रख दिया, क्योंकि यहाँ वहाँ रखा था तो एक जगह मैंने रख दिया। फिर उसके बाद मैंने किया लंच, और लंच में वेज ही था, वेज ही होता है हम लोग के घर में, सिर्फ दो दिन वीक में नॉन वेज होता है, तो ज़्यादातर वेज ही हम लोग खाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पर वेज आजकल, मैं पहले वेज नहीं खा पाती थी, मुझे नॉन वेज ही पसंद था, पर आजकल मुझे नॉन वेज नहीं इतना ज़्यादा पसंद नहीं, मैं वेज ही खा लेती हूँ, जो भी होता है वही खा लेती हूँ। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ उसके बाद स्किन केयर, क्योंकि ये सब साफ़ करते करते मेरा स्किन जो है बहुत ज़्यादा धूल हो गया था, और उसके बाद मैंने अच्छे से फेस वॉश कर लिया, फिर अपना स्किन केयर कर लिया, फिर उसके बाद इवनिंग में मैंने रेस्ट करके इवनिंग में थोड़ा सा पूजा भी किया। और पूजा करने से क्या होता है, मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलता है, तो मैंने सोचा कि पूजा कर लेती हूँ, और फिर यहाँ पे मैंने पूजा किया। तो आप लोगों से मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना अगर आप लोग नए हो, एंड लाइक एंड शेयर कर देना। बाय।